जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव के बाद नतीजे सामने आ चुके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो 42 सीटें हासिल कर चुकी है। यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ी उभरती हुई पार्टी जो है वो सामने आई है और भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टी जो है उभरते हुए सामने आई है। नई सरकार बनने जा रही है, आम जनता की क्या कुछ उम्मीदें हैं, आम जनता क्या कुछ उम्मीदें लगाकर बैठी है नई सरकार से, बातचीत करते हैं। नई सरकार बनने जा रही है, क्या कुछ उम्मीदें करते हैं नई सरकार से? नई उम्मीद ये है कि हमें राहत चाहिए, रोजगार चाहिए और क्या चाहिए हमें, और जम्मू कश्मीर में अमन और शांति मिले, बस और क्या चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी उभरती हुई पार्टी सामने आई है, एक बड़ा मैंडेट मिला है, किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छी मैंडेट मिला है उसको, बहुत अच्छा काम कर रहे पहले थे, पहले से कर रहे थे, बाद में जो कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, इन्होंने भी अच्छी बहुत सरकार चलाई बीजेपी ने, ये चलो ये अपना अपना किस्मत होता है, उन्होंने भी जोर लगाया है अपनी तरीके से, जो कुछ हुआ ठीक होना चाहिए हमारे कश्मीर में। नई सरकार बनने जा रही है, क्या उम्मीदें करते हैं नई सरकार से? जम्मू कश्मीर की आम जनता को क्या वो उम्मीदें जो सरकार बनने जा रही है उन उम्मीदों पे खड़ी उतर पाएगी सरकार? पहले नंबर तो सरकार हमारी बनी ही नहीं, ये बनी उधर बनी है, हमारे तो इधर सब हार गए हैं, बनने क्या, हमें उनसे उम्मीद ही कोई नहीं है। जो उम्मीद है हमें जम्मू से उम्मीद है, वो जो भी मतलब काम करते हैं जम्मू के हित में कभी देखा गया नहीं करते हैं। अगर कोई ग्रांट भी आती है, कुछ भी आती है, वो सब श्रीनगर में जाती है, इधर कुछ नहीं है, इधर खाली दिखावा है। हम लोगों ने मोदी जी को बता दिया कि हम आपके साथ हैं, लेकिन अब मोदी जी को भी दिखाना है यार कि हमारे लिए भी कुछ करे, जम्मू के लिए कुछ करे, जो भी करता है सब श्रीनगर। लेकिन नई सरकार तो अब कहीं ना कहीं गठबंधन या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाएगी, कुछ इधर कुछ नहीं मिलेगा, इधर खाली दिखावा ही दिखावा होगा। उम्मीदें नहीं है आपको? कुछ उम्मीदें नहीं, किस चीज़ की उम्मीद रखें बताओ, आप ही बताओ। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कह रही है, उन्होंने कहा कि दरबार मूव जो है वो फिर से शुरू करेंगे, उसमें जब फाइट शुरू, हाँ अगर दरबार मूव होगा तो बिजनेस में फ़ायदा होगा, जब इधर आएंगे थोड़ा सा आप देख रहे, थोड़ा सा सर बाहर लगाइए कैमरा, कोई आपको कोई टूरिस्ट नहीं दिख रहा, कोई कुछ नहीं दिख रहा, अगर दरबार मूव हो जाए तो उसमें जम्मू के लिए थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा, जम्मू में क्या श्रीनगर के लिए भी हो जाएगा, जब इधर से उधर जाएगा, इधर से इधर आएगा तो फ़ायदा तो होगा ही होगा। तो जो नई सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर को, आम जनता को नया चीफ मिनिस्टर मिलेगा, 10 साल के बाद चीफ मिनिस्टर मिलने जा रहा है जम्मू कश्मीर की आम जनता को, तो उम्मीदें नहीं है कुछ की सरकार बनेगी तो ये फ़ायदा होगा वो फ़ायदा होगा, सरकार ऐसा करेगी, कुछ उम्मीदें नहीं है? हम क्या उम्मीदें लगाएं, उम्मीदें यानी कि फिर वही बात वहीं पे आ जाएगी, इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। तो आप चाहते क्या थे? चाहते थे हमारी भी सरकार बनती, पर हम लोगों ने एकता दिखाई है, हमने सब लोगों ने, जैसे वहाँ पे वन साइड वोट हुआ, यहाँ पे वन साइड वोट हुआ, ठीक है, अब जो हमारे MLA हैं ना यहाँ के, उनको भी दिखाना है कि अगर जीत के आए हैं, लोगों ने हमें जिताया है, तो जम्मू के लिए कुछ ना कुछ करना है। जम्मू को ये है कि जो महंगाई की मार है इससे थोड़ा सा राहत मिलनी चाहिए, हर चीज़ के कम से कम गरीब को देखें कि गरीब को क्या चाहिए, ठीक है, कि अगर 10 साल जनता पार्टी तो रही है ना, चाहे गवर्नर तो जनता पार्टी का था, लेकिन 10 साल में किया गया है, जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया, अगर करती ना तो आज झंडा बुलंद होता, हमारा तो डाउन हो गया, उनका जीत गया। 10 साल के बाद नई सरकार बनने जा रही है, आपको क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से? हमारे लिए तो यही है कि थोड़ा मीटर के कारण हम थोड़ा परेशान रहते हैं, बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ जाता है, थोड़ा चलो रेट कम रखें और सैलरी भी हो थोड़ी हमारी 10-12 हज़ार में। हम आपने मीटर की बात कही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे, जो कि साफ तौर पर दिख रहा है, अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो उनका ये दावा था, उन्होंने वादा किया था कि वो स्मार्ट मीटर्स को उखाड़ फेंकेंगे, किस तरीके से? उनका उठाना ही चाहिए, मीटर नहीं रखेंगे तो अच्छी बात है, हम गरीबों के लिए तो वही सही है ना, हम बिल भरेंगे या खाना खाएंगे क्या करेंगे।
नहीं कर सकते, इतनी सी सैलरी में हम ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। उम्मीदें यही है कि यहाँ पे जो हमारी स्टेट है ना, यहाँ पे कोई ज़्यादा कोई कॉरपोरेट हाउसेज या कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं है, ये सारी डिपेंडेंट है टूरिज़्म के ऊपर। तो ये था कि पीछे तो काफ़ी हमने टूरिज़्म देखा, हम तो मुख्य बोधी रहे हैं टूरिज़्म के, लेकिन यह है कि अब जब से यहाँ पे थोड़ा एलजी का रूल रहा और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी फोर्सेस ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया, तो उससे ये था कि यहाँ पे टूरिज़्म जो है ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था। अब सरकार नई बनी है, वो अच्छा है कि लोगों को उनके रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे जिससे थोड़ी डेवलपमेंट होगी, लोगों के काम निकलेंगे, लेकिन थोड़ी सी हमें ये बड़ा कंसर्न है कि कहीं ये ना हो कि वो दोबारा से इंसर्जेंसी यहाँ पे आ जाए, जो अलगाववादी है वो ना कहीं हावी हो जाए। तो उसके लिए ये है कि थोड़ा सा चेक रखना पड़ेगा। अभी आज ही की डेट में एक न्यूज़ हमें मिली है कि दो आर्मी के जो सोल्जर्स हैं उनको किडनैप किया गया है, तो उसमें हमें यही लग रहा है कि सरकार जो भी यहाँ पे आए लेकिन वो लाइसेंस रखे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ और सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ, ताकि जो इतनी मेहनत के बाद जो हमें सक्सेस मिली है मिलिटेंसी के ऊपर जो काबू पाया है, कहीं ये ना हो कि दोबारा से वो फिर से वही दौर दोबारा से आ जाए। और जो हमारा जो स्टेट है ये टूरिज़्म के ऊपर ही डिपेंडेंट है, लोगों को मैसेजेस नहीं चला जाए कि जम्मू में फिर से J&K में डिस्टर्ब हो गया है, तो उसके लिए हमें बड़ा कंसर्न है कि वो चीज़ें जो सरकार है अच्छा परफॉर्म करे और आने वाले दिनों में यहाँ पे टूरिस्ट का जो फ्लो है वो अच्छी तरह से रहे। दरबार मूव बंद हो गया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कहा है कि दरबार मूव जो है वो फिर से शुरू किया जाएगा, वो किस तरीके से देखते हैं? वो बड़ा अच्छा है, वो एक बड़ा वेलकम स्टेप है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक तो दोनों कल्चर्स की आपस में इंट्रैक्शन होती है। ये पिछले राजा महाराजाओं के टाइम से ये चला आ रहा था कि जब सर्दियाँ होती थी तो वो यहाँ पे आ जाते थे कश्मीर के लोग, और जब गर्मियाँ होती थी यहाँ से जो है ऑफिसेज वहाँ चले जाते थे। उससे क्या होता था, एक तो दोनों जो हमारे प्रोविंस हैं या दोनों जो सिटीज़ हैं, जैसे श्रीनगर हो गया, जम्मू हो गया, वहाँ पे यहाँ पे फेस्टिवल सीज़न होता है उन दिनों में, तो उसमें क्या है कि यहाँ पे बाज़ारों में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रौनक होती है और बड़ी ज़्यादा यहाँ पे शॉपिंग और बहुत ज़्यादा परचेजिंग, उससे इकोनॉमी जो है जम्मू की बड़ी प्रॉस्पर होती थी। उससे जब से ये इन्होंने बंद किया उसके बाद आप बाज़ार में जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑलमोस्ट लोग खाली बैठे होते हैं। जो लोकल जो क्लाइंटेल है ना उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ गया था, और यहाँ की जो मेन बाज़ार हैं जैसे ये रघुनाथ बाज़ार है जो एक हब है, और इसके पेरिफेरीज में जितने भी यहाँ पे और बाज़ार है, रेजिडेंसी रोड है, पुरानी मंडी है, कनक मंडी है, चूँकि सेक्ट्रेट जो है वो भी यहाँ से बिल्कुल क्लोज थी, तो जो मैक्सिमम लोग जो वहाँ से मूव होते थे वो इसी एरियाज़ में ही प्रेफर करते थे कि यहीं पे कोई अकोमोडेशन हमें मिल जाए, किसी होटल में मिल जाए या कोई टेनेंटेड अकोमोडेशन मिल जाए। उससे क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा बिल्कुल रौनक रहती थी, रात को 11-11 बजे तक यहाँ रौनक रहती थी, लोग शॉपिंग करते थे यहाँ पे, खाने पीने के रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, यहाँ पे काफ़ी अच्छा बिजनेस होता था। तो वो एक अच्छा मूव है कि अगर गवर्नमेंट ये स्टेप लेती है तो भारतीय जनता पार्टी अब विपक्ष में होगी, क्या रोल रहेगा, क्या लगता है क्या अच्छा है इनको? आप ये देखेंगे अगर कश्मीर में NC ने स्वीप किया है तो जम्मू में BJP ने स्वीप किया है। हमारा तो ये सोचना है कि अगर आपने एक स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पे बनानी है तो रिप्रेजेंटेशन जो है वो दोनों ही खित्ते को मिलनी चाहिए, कश्मीर को भी मिलनी चाहिए, जम्मू को भी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे चूँकि BJP ने ही मैंडेट लिया है, सारे लोगों ने BJP को ही वोट दिया है, तो हमें तो ये अंदेशा था कि ये यहाँ पे कुछ इस तरह से गवर्नमेंट बनती जिसमें एक पार्टी BJP होती, दूसरी पार्टी कश्मीर की होती, तो एक कोलिजन गवर्नमेंट बनती। लेकिन चूंकि अब वहाँ पे NC को एक फुल मेजॉरिटी मिल गई है तो वो चाहेंगे नहीं कि किसी को वो करें, लेकिन फिर भी हमें ये लगता है कि कुछ इस तरह से उनको बनाना चाहिए, दूरदर्शिता दिखानी चाहिए, आने वाले टाइम में अगर दोनों खित्तों को रिप्रेजेंटेशन मिले तो वो ज़्यादा अच्छा है। और चलो अगर ये BJP अपोजिशन में भी बैठेंगे तो एक अच्छा रोल ये रखेंगे, एक अच्छा चेक रखेंगे गवर्नमेंट के ऊपर, ताकि वो ऐसा ना करें कि जो फंड सेंटर से आते हैं वो सारे फंड जो हैं कश्मीर में ही नहीं लगे, जो पिछले कई सालों से एक यहाँ पे भेदभाव चलता आया कि जम्मू के साथ एक सौतेला व्यवहार किया जाता था कि फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो कश्मीर में होती थी, जम्मू में नहीं होती थी। तो अब अच्छा NC गवर्नमेंट जो है वो भी एक बेटर ऑप्शन है, अगर आप बाकी जो पार्टीज़ हैं कश्मीर की उनके साथ कंपेरिज़न करेंगे तो NC जो है वो सबसे बेटर वो पार्टी थी। तो अगर वो आएगी, अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो उसमें अच्छा है।
उम्मीद कर रहे हैं आप नई सरकार से, क्या कुछ उम्मीदें लगाकर बैठे हैं? हम यही सोच रहे हैं कि जम्मू में कोई डेवलपमेंट अच्छा हो, नई जो सरकार बनने जा रही है आगे भी उन्होंने कोई काम मतलब अच्छे किए हैं, इसलिए उन्होंने लोगों ने वो उनको चुना है। तो हम यही चाहते हैं कि टूरिस्ट इधर मतलब जितना भी यात्रु इधर आए, देखे, डेवलपमेंट करे और हमारे जो काम में वो अच्छा काम निकले। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि दरबार मूव जो है वो फिर से शुरू किया जाएगा। दरबार मूव शुरू होता है तो कितना फ़ायदा आपको मिलेगा? फ़ायदा तो बहुत होगा मैम, क्योंकि दरबार मूव से जो आता था उसमें कस्टमर भी बढ़ता था, प्लस जो उनके एम्प्लॉय आते थे उनके रिलेटिव आते थे, तो हमारा बिजनेस अच्छा चलता था, लोकल दुकानदारी बढ़ती थी हमारी। और जो ये जब से थोड़ा कम हुआ है, अभी पूरी तरह से बंद तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत फर्क पड़ा इससे। अच्छा, तो दरबार मूव को लेकर वादा किया गया है, क्या लगता है वो वादा पूरा होगा जब सरकार बनेगी? हम अगर हमारी बात पूछे तो ये वादा पूरा होना चाहिए, बाकी तो उनके ऊपर डिपेंड ही है ना कि उन्होंने खाली सरकार बनाने के लिए बोला है जहाँ एक्चुअली में वो करेंगे, अगर करेंगे तो बहुत अच्छा है। आप एक आम नागरिक है, उम्मीदें क्या करते हैं नई सरकार बनने जा रही है, क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि ये सरकार जो है वो इन उम्मीदों पर खड़ी उतर पाएगी? कि हम टूरिस्ट सेक्टर से है तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जितना इस दर जम्मू कश्मीर दोनों प्रोविजन में टूरिस्ट को बढ़ाया जाए, टूरिस्ट फोकस किया जाए, जो जहाँ पे पॉइंट हैं उनमें डेवलपमेंट की जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर रोड वगैरह अच्छे बने, ताकि ग्राहक बाहर से विदेशों में ना जाके हमारे जम्मू कश्मीर को देखने आए और हमारा कारोबार बढ़े। जो रीजनल इम्बैलेंस है उसे किस प्रकार से दूर करेगी नई सरकार? क्योंकि आम लोग बिजनेसमैन हो, कई बात देखने को मिलता है कि जम्मू को सुनने को मिलता है जम्मू को निगलेक्ट किया जा रहा है, जम्मू में डेवलपमेंट नहीं हो रही है, जिस प्रकार से आम जनता का कहना है कश्मीर में ही सब कुछ किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि रीजनल इम्बैलेंस को कैसे दूर किया? देखिए, ये जो पॉइंट है ना, ये हर बंदे का अपना है, ये मेरा पॉइंट है, दोनों जगह पे बराबर हो रहा है, कहीं पे काम स्पीड भी होता है, बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें काम डिले होता है, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है सोचने का, इसमें मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरे नज़रिए से जो है, मैं आम नागरिक के नज़र से दोनों जगह पे बराबर काम चल रहा है, देखने को मिल रहा है इसमें क्या कहाँ है, ये अलग वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पे कम हो रहा है, जहाँ पे भी काम चल रहा है वहाँ पे भी चल रहा है। दरबार मूव किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने कहा था कि वो दरबार मूव जो है वो फिर से शुरू करेगी, क्या लगता है ये जो वादा किया गया है ये वादा सच होगा? जे देखो जी, ये तो सच होना चाहिए, दरबार मूव से हमें बहुत ही फ़ायदा होता है, दरबार मूव लगता है तो बेरोज़गार भी बढ़ता है, कामकाज भी बढ़ता है, हर चीज़ में होता है, तो इससे बदलाव होना चाहिए। और वैसे भी इसमें क्या है कि जैसे कि अभी सरकार नहीं बनी है, तो नई सरकार बनने में कुछ तो कुछ बदलाव होना चाहिए। देखो, सरकार तो बनी है लेकिन किसी भी चीज़ का, जहाँ पे टूरिस्ट भी आना चाहिए, टूरिस्ट भी बढ़ना चाहिए, बेरोज़गार बढ़ना चाहिए, काम जो बढ़े हुए हैं ये बिल्कुल ही इस समय बंद पड़े थे, तो उसकी वजह से सरकार बदलने का चांस, उसमें क्या किया कि चेंज होने का, तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए। देखो, ये बाजार बिजनेस एसोसिएशन में बिल्कुल देखो खाली पड़े होते हैं, नहीं तो इन दोनों में हमें कितना टूरिस्ट होता था, जैसे कि अगर टूरिस्ट आएगा तो हमारे लिए फ़ायदे वाला है इसमें, तो इसमें काम किसी भी चीज़ का बदलाव होना चाहिए, हर चीज़ में होना चाहिए, जैसे देखो ये स्मार्ट मीटर आ गए हैं, ये आ गए हैं, वो आ गए हैं, देखो कितना इसमें होता है, आम जनता कहाँ से करेगी, कैसे? इसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने कहा था कि हम मीटर को उखाड़ देंगे। बिल्कुल जी, ये हटने चाहिए, मीटर भी हटने चाहिए, अगर मीटर में उसमें अगर मीटर नहीं हटे तो उसमें डिजिटल मीटर लगे हुए हैं, उसमें कोई हमें कोई प्रॉब्लम। 10 साल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आ रही है, क्या लगता है फिर वो गठबंधन की सरकार हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाए, वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा, लेकिन 10 साल के बाद दूसरी पार्टी, कोई पार्टी जो है वो सत्ता में आ रही है, क्या लगता है क्या बदलाव होंगे, क्या चेंजेस होंगी, आपकी क्या उम्मीदें हैं? देखो जी, हमें तो पार्टी के साथ हमें कोई वो नहीं है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कुछ भी हो, देखो हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं, पब्लिक तो आम जनता को कोई उसमें पब्लिक के साथ उसमें पार्टी के साथ कोई नहीं, अजंता को सिर्फ चाहिए कि अजंता को हर चीज़ की सूरतें होनी चाहिए। देखो जैसे कि आम आदमी, देखो आप 2-3 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं, ये आम आदमी कहाँ से करेगा ये बताओ। देखो जैसे कि जो होता है, जैसे जितना बड़ा बिजनेस होगा उसमें काम होगा, बेरोज़गार, अगर काम धंधा नहीं होगा तो मीटर के, अच्छा जिसमें अगर किसी का
कम उसमें लाइट चल रहा है, उसका भी इतना बिल आ रहा है, जिसका उसका चल रहा है उतना भी। हम ये कह रहे हैं कि अगर स्मार्ट मीटर से कोई हमें वो यूँ नहीं है, लेकिन उसमें सिर्फ ये होता है कि लाइट का जो है, अगर मीटर की कोई वो आती है, मीटर का जेनुअल रेट आए, जेनुअल उसका यूनिट आए, और जितना यूनिट्स देते हैं अगर उतना यूनिट आना आए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो किसी का अगर किसी में एसी नहीं लगा उसका भी 3000 बिल, जिसका एसी लगा है उसका 2000 बिल, उसमें और क्या उम्मीदें करनी होती हैं हर चीज़ में। और सरकार से जो उम्मीदें करते हैं कि चलो हमारे यहाँ टूरिस्ट आना चाहिए और काम बढ़ना चाहिए और हर चीज़ में। 10 साल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आ रही है, क्या उम्मीदें कर रहे हैं नई सरकार से? देखिए उम्मीदें तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन एक जम्मू के नाते होने के एक सोच विचार तो आता ही है, एक व्यापारी होने के नाते भी एक सोच विचार आता है कि जम्मू के साथ जिस तरह से अनदेखी पहले भी हुई, पिछले बार भी हुई, आगे ना हो, उसके लिए एक नई सोच के लोग सामने आए हैं, हमारे युवा लोग जो सामने आए, चाहे हम कश्मीर के भी देखें, काफ़ी उसमें युवा लोग भी हैं और पुराने अनुभवी लोग भी हैं, इसी तरह जम्मू के अंदर भी पुराने अनुभवी और युवा लोग भी यहाँ आए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे लिए एक अच्छा होगा, हम जो कल्पना करते हैं, तो आने वाले समय में हमारे लिए, खासतौर से जम्मू वालों के लिए, अगर आप देखें तो जम्मू, अगर ओल्ड सिटी को, तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी को देखें तो तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक बिजनेस हब है, तो बिजनेस हब में एक व्यापारी आदमी कितना परेशान चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसकी परेशानियाँ कम होंगी। व्यापारी आदमी तो सिर्फ अपने व्यापार पर ही चलता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको एक नेशनलिटी के लिए अपने आप को जीता है, नहीं मैंने देश के साथ ही जीना है, उसका अगर मद्देनज़र रखें तो अगर जम्मू के साथ, अगर जिस तरह से अगर आप देखें तो सारी ट्रेनें कटरा की तरफ चले गई, उसके बाद आप आउटर रिंग रोड हमारी विजयपुर से वो भी कटरा की तरफ चले गई, आप जो लोग बाइयर आते थे उनको भी कहा गया कि आप जो हेलीकॉप्टर पकड़िए तो कटरा की तरफ चले जाइए, जम्मू में जाइए ना कोई। अब एक नेशनल हाईवे बन रहा है जिसको एक्सप्रेस हाईवे का नाम है, दिल्ली से बाया अमृतसर से सीधा कटरा। अब जम्मू तो बिल्कुल ही कटअप हो रहा है, जम्मू की अपनी जो एक आइडेंटिटी थी वो आस्ता आस्ता लुप्त होती जा रही है। क्या लगता है कि बदलाव होगा, कुछ चेंजेस होगी नई सरकार के आने से जम्मू में? बिल्कुल, मुझे लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती कि एक खित्ते के लोगों को बिल्कुल नकारा ना की करे, वो भी उन्होंने भी देखना है कि हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और जिसमें अभी जो मुझे लगता है आने वाले जो मुख्यमंत्री होंगे वो इस चीज़ पर भी ज़रूर सोचते होंगे कि केंद्र सरकार के बिना ये सरकार जम्मू में भी इतनी सफल नहीं होगी जम्मू कश्मीर की, जब तक केंद्र सरकार की एक सहयोग ना मिले। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये एक अच्छी सोच लेके अगर चलेंगे तो जम्मू एक सर्वाइव कर पाएगा और जम्मू कश्मीर भी सर्वाइव कर पाएगा, जिसमें हमारे यहाँ टूरिज़्म का एक बहुत ज़्यादा स्कोप बनता है, पूरे नेशनल लेवल का नहीं, इंटरनेशनल लेवल का, जम्मू कश्मीर में लोग इस चीज़ को, उम्मीद को देखेंगे कि जाओ जम्मू कश्मीर में भी, जहाँ एक बड़े अच्छे वातावरण के अंदर लोग जाना पसंद भी करेंगे, जिस तरह से माता वैष्णो देवी भी आते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर जम्मू के, अगर इसी जम्मू ईस्ट की भी बात करें, छोटी सी भी बात बताऊँ, पिछले 15-20 साल से मुबारक मंडी बन रही है, अब पिछले 10 साल से देखें जितनी बड़ी नहीं है उससे 10 गुना गिर भी गई। अगर आप गंडोला को देखें तो गंडोला के रेट इतने लगा रखे हैं जितने के लोग कहते हैं कि जो 250 रुपये में एक सामने से एक राउंड करना है तो क्यों मैं 250 रुपये में बैटरी कार वाले से लेकर पूरी फैमिली लेके महामाया वापस भी आ सकता हूँ। अब जानबूझ के कुछ जम्मू को अनदेखी में रखा जा रहा है। अच्छा, कश्मीर से एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को, किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैंडेट मिला उनका जो नेचुरली लोगों की एक एकता का प्रदर्शन है जो मैं समझता हूँ, और जम्मू की एकता का कोई प्रदर्शन रहा है, जम्मू में लोगों ने भरपूर सहयोग दिया बीजेपी को, और वो दोनों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, वहाँ के लोगों को और जम्मू के लोगों को एक एक साथ वो देखें, एक ही नज़र से देखें, उनकी जम्मू वाले भी अनदेखी ना करें और कश्मीर वाले जम्मू की अनदेखी ना करें, एक उनकी दोनों की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने जम्मू और कश्मीर को किस तरह से आगे लेके जाना है। जम्मू कश्मीर की आम जनता को चीफ मिनिस्टर मिलने जा रहा है, नई सरकार बनने जा रही है, क्या उम्मीदें करते हैं, क्या लगता है 10 साल के बाद दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर पार्टी जो है दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर गठबंधन की सरकार हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाए, वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा, क्या लगता है क्या बदलाव होगा, क्या चेंजेस आप देखेंगे नई सरकार बनने के बाद? देखो ना, जब ये बीजेपी सरकार जम्मू में आई थी सेंटर में, इन्होंने पहले तो राशन बंद कर दिया, जो चीनी जित मिलती थी वो नहीं मिली, ठीक है। दूसरा 400 रुपये का सिलेंडर था, अब 1100 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। कहते जब ये कांग्रेस के रेट बताते थे 10 रुपये, तो ये हड़ताल कर देते थे, जम्मू बंद करो, 10 रुपये बढ़ गए,
इनके टाइम में 1100 रुपये का सेंटर होगा, कोई नहीं बोलेगा, आप ये खुद नहीं बोलेंगे, आप ये बोंकना शुरू कर देंगे यहाँ, क्योंकि इनकी सरकार नहीं है। इनकी जो सरकार है ये बोंकते उसी वक्त है जब इनकी सरकार ना हो, जब जैसे कलकत्ता में हुआ, कितना जोर लगाया, सीट उनकी हुकूमत तो बनी नहीं, वही साहब यहाँ हुआ, जम्मू वाले फिर उनको साथ दे दिया, लेकिन इन्होंने सिरने वालों ने उनका साथ दिया ही नहीं, जितना इन्होंने पैसा सिरने में फेंका है तो इधर तो कुछ दिया नहीं जम्मू को, उल्टा जम्मू का तो विस्टर ख़त्म हो गया। जो ट्रेन यहाँ से जा रही है तो इधर तो ये बन जाएगा पठानकोट पूरा। अरे इसी को अब रीजनल इम्बैलेंस को आने वाली सरकार कैसे दूर करेगी? ये मेरे ख्याल में जी अच्छा करेगी, क्योंकि तो इन्हीं के टाइम में था ना, जो एक तो हर चीज़ मिलती थी, एक तो बिजली का किराया इतना नहीं आता था, जो लाइट नहीं जगाता है उसका 5000 बिल आ रहा है, जो नहीं जगाता उसका वही बिल आ रहा है। उनके टाइम में 200, 300, 400, 500 से ऊपर बिल नहीं आता था। इनके टाइम में अगर पूछने जाओ कहते पहले बिल भरो बाद में बात करेंगे। तो अब क्या चेंजेस चाहते हैं अब क्या बदलाव? जो उन्होंने किया है कि बिल जो पिछले वही आने चाहिए जैसे आते थे, जैसे राशन में डिपो मिलता राशन मिलता है वैसे मिलना चाहिए। एक आदमी को 3 किलो राशन दे रहे हैं, 3 किलो आदमी एक आदमी खाता महीने का, मेरे को ये बताओ ना खा सकता। पहले फिर 7 किलो मिलता था, इन्होंने 3 किलो कर दिया, चीनी 10 साल की गैप कर दी। चीनी प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाया है, शुरू नहीं किया गया है लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लगाया। अगर इनकी को बता दे कर देते, जिन्हें प्लेटें उन्होंने लगा दी, देखो ना NC के सरकार में या किसी की सरकार में प्लेटें नहीं लगी थी, प्रॉपर्टी टैक्स लगी किसी घर में, कहीं नहीं लगी थी। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने कहा कि हम प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो खत्म करेंगे। क्या वो वादा पूरा होगा? पक्का होगा, बिल्कुल पक्का होगा वादा ये, क्योंकि जो उन्होंने वादा कर दिया है ना तो होगा, अगर नहीं होगा अगली बार नहीं मिलेगा। देखो ना ये ऐसी चीज़ है, पब्लिक ऐसी अगर बिठाना चाहती है तो उसको उतारना भी चाहती है, पब्लिक का ये फायदा है, अगर सीट को बिठा सकती है सीट को उतार भी सकती है नीचे, तो इस बार नहीं करेंगे अगली बार ये भी नहीं मिलेगी। जम्मू में तो सीटें मिली ना इनको, NC को जम्मू भी मिली हैं, चाहे पुंछ में मिली, पुंछ में हार गए ना वो, बीजेपी वाले हार गए, क्यों हार गए? अगर अच्छा काम किया होता जी, अगर जहाँ मीटर नहीं लगाए होते स्मार्ट तो उनको ये भी सीटें मिलनी थी। श्रीनगर में मीटर एक भी नहीं लगा, स्मार्ट लगा कोई नहीं लगा, जम्मू में क्यों लगा? जो नहीं लगाते उसको पुलिस को भेज देते मीटर लगाओ, नहीं लगाना तो इनका बिजली नहीं देनी। उम्मीद तो कुछ नहीं है इस वक्त, ये मिलीजुली सरकार है, इसमें तो कोई फायदा है नहीं है, बेशक लेजिस्ट पार्टी बनी है, NC बनी है, उसके साथ कांग्रेस की सपोर्ट है, मगर है तो सेंटर का है ना, सेंटर में BJP है। अगर BJP की जहाँ पे होती हुकूमत थोड़ा बहुत बेनिफिट जम्मू को मिलता, तो फिर भी जो इलेक्शन हुए हैं और कश्मीर वालों ने कश्मीरियों ने उनका साथ दिया NC का, जम्मू वालों ने जो तो हिंदू मेजॉरिटी है यहाँ पे उन्होंने दिया BJP का, BJP को पूरी जितनी उम्मीद थी उससे कोई 5-7 सीटें कम मिली हैं। तो बाकी मोदी जी की अच्छी सोच है जम्मू के बारे में भी, कश्मीर के बारे में भी, क्योंकि कश्मीर को एक बहुत बड़ा मैंडेट, कश्मीर से एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, वो किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छे है जो है हमारे फरूख साहब हैं, बहुत अच्छी सोच के हैं, उन बहुत बिल्कुल हर लोगों को साथ लेके चलते हैं, ऐसी बात नहीं है, जम्मू वालों के साथ मिलके चलते हैं, उनको शुरू से ही अच्छा है। और जो सरकार बनी है जिसका कोई है गुजरात LG हैं, तब तक तो कुछ नहीं कर सकते ना, सारा काम तो LG के हाथ में ही है ना, जब तो एक गवर्नमेंट हो जो जिसके आदमी इंडिपेंडेंट हो अपना काम खुद कर सके तो उनके लिए तो ठीक है। तो इधर BJP वाले हैं तो आप जानते ही हैं, सेंटर में तो मोदी साहब बैठे हैं, तो आगे क्या होगा वो तो कुछ बता नहीं सकते। तो बाकी जो हमारे MLA हैं ईस्ट के, युद्धवीर सेठी, बहुत अच्छे हैं, 35 साल का तजर्बा है उनको पॉलिटिक्स में। 10 साल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सत्ता में आ रही है, नई सरकार बनने जा रही है, जम्मू कश्मीर की आम जनता को चीफ मिनिस्टर मिलने जा रहा है 10 साल के बाद, क्या उम्मीदें करते हैं सरकार से? जम्मू वाले की उम्मीदें तो यही थी कि चलो डोगरा CM आता तो जम्मू के हित में बात होती। पहले भी NC की सरकारें रही, PTP की सरकारें रही, उन्होंने सारा कश्मीर के बारे में सोचा, जम्मू के बारे में उन्होंने कुछ नहीं सोचा। तो मेन हमारे को मुद्दा है कि जम्मू में डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हुई है उनके राज में। अभी चलो जब का थोड़ा सा BJP का राज आया, थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है, चलो स्मार्ट सिटी का काम लगा है, जहाँ पे ले का काम लगा है, ले की बात हो सके, जहाँ पे टूरिज्म बढ़े। तो हम यही उम्मीदें लेके वोट किया था BJP को कि BJP की सरकार आएगी। चलो बदकिस्मती है कि चलो बाकी मोदी साहब बैठे हैं सेंटर में, देखो आगे क्या करती है ये सरकार। दरबार मूव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने कहा कि हम दरबार मूव जो है वो फिर से शुरू करेंगे, ये वादा
पूरा होगा, अगर होता है तो कितना फ़ायदा मिलेगा बिजनेस में? नहीं, अगर दरबार रिमूव हो जाए तो अच्छा है, जम्मू वालों का भी बेनिफिट है, उसमें कश्मीर वालों का भी बेनिफिट है। दरबार अहम सवाल है, ये रीजनल इम्बैलेंस को कैसे पार्टी दूर करेगी, सरकार कैसे दूर करेगी, क्या लगता है? देखो ये तो सरकार के हाथ में है सब कुछ, ये तो सरकार के हाथ में है, सरकार की क्या अगर नीतियाँ हैं क्या नहीं है वो तो वही बेटर जानते हैं। पब्लिक का काम है सरकार चुनना, वो उन्होंने चलो कश्मीर वालों ने तो कश्मीर की सरकार चुनी, विजय बाकी जम्मू वालों की उम्मीद थी कि चलो जम्मू का कोई सीएम बनता, ये तो उम्मीद थी जम्मू वालों की कि जम्मू का सीएम बनता, बेटर था जम्मू वालों के लिए। अब निराशा है? नहीं, हमें तो निराशा तो चलो ठीक है, जो भी हो गया अब निराशा तो होती है, निराशा तो होती है। हम जम्मू वाले तो चाहते थे कि चलो जम्मू का सीएम बने, आज तक जम्मू का कोई सीएम नहीं बना है। कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, किस तरीके से आप देखते हैं? देखो जी, अच्छी बात है उनको एनसी को मैंडेट मिला है, लेकिन हमारे जम्मू में जो बीजेपी सरकार है उसको इन्होंने बहुत मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है, और लोगों ने बढ़ चढ़ कर लोग बीजेपी को वोट भी दिए हैं, लेकिन अभी आने वाले टाइम में इनको थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। जनता ने तो काफ़ी सपोर्ट किया है बीजेपी को, ऐसी बात नहीं है कि नहीं किया है, लेकिन कुछ ना कुछ इनकी थोड़ी गलती होगी, कुछ ना कुछ जिसकी वजह से ये कह रहे थे कि हम अपना जम्मू कश्मीर का सीएम बनाएंगे तो नहीं बना पाए। इनके कुछ मुद्दे हैं, ये कुछ हवा में बातें कुछ और करते हैं, ग्राउंड लेवल में कुछ और होता है। अब आपके सामने ही है, जम्मू में स्मार्ट मीटर लग गए, महंगाई इतनी आसमान छू रही है। मीटर की आपने बात की, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने कहा कि हम मीटर को जो है स्मार्ट मीटर्स को उखाड़ देंगे, प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो हम लाने नहीं, हालांकि शुरू नहीं हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स अभी तक, प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी उन्होंने कहा, आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल जी, अभी वो देखो उनकी सरकार बनी है तो वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, अभी कह रहे हैं कि 200 यूनिट हम फ्री देंगे तो वो नेचुरली करेंगे। अगर उनको सरकार चलानी है तो जनता को भी तो देखना पड़ेगा। क्या उम्मीदें क्या करते हैं आप नई सरकार से, नई सरकार बनने जा रही है 10 साल के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर की आम जनता को चीफ मिनिस्टर मिल रहा, आम नागरिक हैं आप, क्या उम्मीदें करते हैं नई सरकार से? देखो जी, जो भी अभी नई सरकार बनी है 10 साल के बाद, 10 साल तो इतना बड़ा जम्मू कश्मीर का जो स्टेट था, स्टेट को इन्होंने यूटी में तब्दील किया, तो अब हम तो चाहते हैं कि सबसे पहले तो हमारा स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, और उसके बाद जो भी सरकार बनेगी वो अच्छा करेगी। क्या उम्मीदें कर रहे हैं आप नई सरकार से, 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर की आम जनता को चीफ मिनिस्टर मिलने जा रहा है, क्या बदलाव होगा और क्या उम्मीदें हैं एक आम नागरिक की? स्टेटहुड वापस आना चाहिए ताकि कंट्रोल रहे, पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सेंटर से ज़्यादा स्टेट वाले जो पॉलिटिशियंस हैं वो ज़्यादा समझते हैं, तो हम चाहते हैं कि मतलब यहाँ का जो नई सरकार है वो ये समझे, और जैसे एनसी है, एनसी भी है, बहुत अच्छी पार्टी है, तो वो जम्मू को भी कॉन्फिडेंस मिले, जबकि जम्मू के सारे वोट्स आए हैं बीजेपी को, लेकिन इनको जम्मू वालों कोई भी प्रॉब्लम समझ के इनको खुश रखना चाहिए, और ख़ासकर बिजनेसमैन को। अभी जैसे ट्रेन श्रीनगर जा रहा है तो सारे जम्मू के जो व्यापारी हैं उनको टेंशन हो गया है, जैसे पठानकोट का हाल है वैसे जम्मू का ना हो जाए, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए उनको कुछ एक्शंस करने चाहिए, यहाँ लेक बनानी चाहिए, टूरिस्ट को अपलिफ्टमेंट करना चाहिए, जैसे हेलीकॉप्टर की इन्होंने सर्विस की थी जो जम्मू टू कटरा, दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव ओनली फॉर रिचेस, तो वो थोड़ा उनको सब्सिडाइज करना चाहिए, कुछ उनको थोड़ा मतलब इनिशिएटिव सब्सिडी देनी चाहिए, तो बस हम यही चाहते हैं। कश्मीर में एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को, किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, अच्छा है, जो एनसी को वोट्स मिले हैं वो बहुत बढ़िया है, मतलब लोकल गवर्नमेंट आनी चाहिए, अब 370 हटे या ना हटे स्टेटहुड मिलना चाहिए हमें। अच्छा, दरबार मूव को लेकर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी ने कहा कि दरबार मूव जो है वो फिर से शुरू करेंगे, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या वादा पूरा होगा? वो तो वक्त बताएगा, लेकिन होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बिजनेस उस पर डिपेंड है, बहुत सारे बिजनेस उस पर डिपेंड होते हैं, जब यहाँ बहुत फैमिलीज आती है विंटर्स में। अच्छा, क्या नई सरकार रीजनल इम्बैलेंस को दूर कर पाएगी? करना चाहिए उनको, जम्मू को एक कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी अभी बोला कि बीजेपी को सारे वोट्स मिले हैं, एनसी को यहाँ पे वोट्स बहुत कम मिले हैं, तो इनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए जम्मू के लोगों को। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होगी, क्या रोल रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी का, क्या लगता है? अभी तो मेन रोल रहेगा, जैसे केजरीवाल रोते हैं कि उनके पास पावर नहीं है, रोते थे, अब तो वो नहीं रहे सरकार में, लेकिन
अभी जम्मू वाले जो है गवर्नमेंट वो भी वो पावरलेस है, अभी एलजी के पास मेन पावर है, तो मेन टाइम बताएगा बेसिकली क्या रोल रहेगा, क्या रोल रहेगा। बिल्कुल थोड़ा हाईलाइट तो होगा, जम्मू की प्रॉब्लम्स हाईलाइट तो होगी क्योंकि लोकल गवर्नमेंट है, सेंटर को इतना नहीं पता होता लोकल के बारे में। जो यहाँ के लोग हमने जिनको वोट दिया है, जब वो अपलिफ्ट होंगे वो हमारी प्रॉब्लम्स आगे रखेंगे। नई सरकार बनने जा रही है, क्या कुछ उम्मीदें कर रहे हैं नई सरकार से? 10 साल के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आ रही है, क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखिए सबसे पहले तो बड़ी बात ये है कि हमारी स्टेट में दोबारा एक सरकार बनने जा रही है, ठीक है। उसके बाद है नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ज़रूर आनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती जो सामने आ रही है कि जम्मू से मेरे को जो लगता है कि मिनिस्ट्री में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, क्योंकि कोई ऐसा जीत के आया नहीं बंदा कि जो वहाँ पर जा सके। बीजेपी है, बीजेपी का आज मैं उन्हीं से ये सवाल पूछता हूँ कि कितने बंदे अपने बलबूते पे आए हैं जो बोलते हैं कि हमने फलां कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके ये काम करा। दे आर ऑल बैक्ड बाई सेंटर, मोदी जी, अमित शाह, कौन सी मशीनरी उन्होंने जम्मू में नहीं छोड़ी कि जो इसके आए। और जो पर्सनली आई फील कि जो वोट पड़ा सभी मोदी जी के कारण पड़ा, ना कि जितने कैंडिडेट हैं उनके अपने बलबूते पर पड़ा। अब वहाँ पे इन्होंने जो भी जम्मू के लिए 5 साल नहीं बोले, 10 साल नहीं बोले, अब आके क्या बोलेंगे, ये मेरी पर्सनल राय है। लेकिन एक बात है, एज ए हिंदू मैं ये बोलता हूँ कि इनको बोलना चाहिए कि जम्मू के हित के लिए बोलो। आज कौन बोला? वंदे भारत आई जम्मू में कितनी देर का यहाँ पे वो है हाल्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का। अब वही ट्रेन जा रही है श्रीनगर, जम्मू के जितने हैं बीजेपी बैक्ड जितने भी हैं यहाँ पे वो सब डाल रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि ट्रेन वहाँ पे जा रही है, जम्मू वालों को क्या बेनिफिट है उसका। जम्मू में इतने सालों में बीजेपी का सब कुछ रहा, एलजी तक इनका रहा। जो नई सरकार होगी क्या इस रीजनल इम्बैलेंस को वो दूर कर पाएगी? 110% करना चाहिए, लेकिन आगे क्या नीति रही। इवन कि मोदी जी के भी आज मेरे को कहने में कोई ये शर्म नहीं है कि उन्होंने किसके बारे में सोचा, श्रीनगर के बारे में। अगर जम्मू के बारे में कुछ सोचा होता तो हमें भी कुछ 5-10% डेवलपमेंट दे दी होती। आई ट्रेडर कितना सफ़र कर रहा है यहाँ पे, दरबार मूव था, दरबार मूव ख़त्म कर दिया। यहाँ पे एक गुलदस्ता बनता था, वहाँ पे आते थे मोहम्मदन भाई हमारे, यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे इकानमी फैलती थी। बेशक वो मैं हूँ, कोई है यहाँ पे काम कर रहा, एक के पास पैसा आएगा तो दूसरी जगह जाके खर्चेगा ना, अगर पैसे ही नहीं आएगा तो खर्चेगा कहाँ पे जाके। बेशक वो होटलियर्स थे, कोई मकान वाले थे, ट्रेडर्स आम थे। रुनाफ बाज़ार देखिए आप, अभी रुनाफ बाज़ार में खड़े हैं ना, नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, बाहर एक नज़र दौड़ा के देखिए कितना कस्टमर है। ये वही रुनाफ बाज़ार है जहाँ पे इस टाइम तक ठीक ठाक कस्टमर की रौनक रहती थी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होगी, क्या रोल रहने वाला है भारतीय जनता पार्टी का, क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी का रोल रेज यही रहने वाला है, बोलेंगे, करेंगे, बंद करा देंगे पकड़ के, और क्या करेंगे। क्या उनके पास इतनी पावर है कि जम्मू को दोबारा स्टेटहुड करवा दें वो? क्यों, उनका है ही नहीं है, स्टेटहुड इन्हीं ने कैंसिल कराई हुई है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बंदे हैं वो हिंदू, खाली हिंदू के बारे में वोट ले रहे हैं, ये नहीं चाहिए। हिंदू के नाम पे किसी को डिवाइड नहीं करना चाहिए, हिंदू मुस्लिम के नाम पे नहीं चाहिए। एक सेकुलर कंट्री रही है शुरू से, वो ही रहनी चाहिए सेकुलर कंट्री। आज क्यों ना हिंदू सिख से नफरत कर रहा है, सिख मुसलमान से कर रहा है, क्यों है? हिंदू सिख एक ही है ना, ठीक है ना। तो वो ही चाहते हैं कि जितने ये आए जम्मू के हित के लिए कुछ बोलें, फिर तो फायदा है, नहीं तो फिर डमी फिगर दी हैं। आम जनता से हमने बातचीत की और आम जनता नई सरकार से बेहद ही उम्मीद लगाकर बैठी है, जो वादे किए हैं क्या उन वादों पर नई सरकार खड़ी उतर पाती है या नहीं। दरबार मूव बंद होने पर रघुनाथ बाजार के व्यापारियों से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि दरबार मूव बंद होने के बाद जो है वो कई नुकसान बिजनेसमैन को देखने को मिला है, और साथ ही साथ क्या नई सरकार रीजनल इंबैलेंस को दूर कर पाएगी या नहीं, उम्मीदें आम जनता की बेहद ही, लेकिन सवाल ये है कि क्या आम जनता की उम्मीदों पर नई सरकार खड़ी उतर पाती है या नहीं, वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्प शर्मा, जम्मू।